प्रतीक सहजपाल हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके किसी भी प्रोजेक्ट पे सबसे ज्यादा रिएक्शन जो है वो अपने प्रतीक फैम का वैलिड मानते हैं। जी हाँ, ट्रोलर्स को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं और जो प्रतीक फैम कहते हैं उसी चीज को प्रतीक बिलीव करते हैं। वेल, ये होती है एक अच्छी सेलिब्रिटी, एक अच्छे स्टार की निशानी। इस वक्त प्रतीक सहजपाल ने किस तरीके से अपने फैंस से सवाल किया है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिने स्पीक्स, मैं हूं ज्योति नाहक। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है @ज्योति नाहक7 इंस्टाग्राम पर। अब आपको बता देते हैं कि प्रतीक का गाना दुआ करो, थोड़ी ट्रबल आ गई थी बीच में और कहीं ना कहीं ये गाना जो है फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। जब आया तो एक दिन के अंदर अंदर 18 लाख व्यूज हो चुके थे, 1.8 मिलियन व्यूज आ चुके थे, विच इज अ ह्यूज नंबर। एंड उसी के साथ साथ लेकिन थोड़ी सी नजर लग गई और गाना जी म्यूजिक कंपनी के जरिए थोड़ा सा आई थिंक कॉपीराइट इश्यूज की वजह से बंद हो गया था, बट उसके तुरंत बाद ही मैं आपको बता दूं कि वो गाना वापस भी आ चुका है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद प्रतीक ने अपने फैंस से सवाल कर लिया है। जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं प्रतीक ने ये वीडियो शेयर किया है, टीजर आप कह सकते हैं, और इसको शेयर करते हुए प्रतीक ने क्या लिखा है, यहां पर सवाल किया है, प्रतीक फैम कैसा लगा गाना। जी हाँ, आई थिंक कैमरा कैप्चर ठीक से नहीं कर पा रहा है, बट मैं आपको बता दूं यहां पर लिखा है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां लिखा है प्रतीक फैम कैसा लगा गाना। जी हाँ, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो डायरेक्टली रिव्यूज जानना चाहते हैं अपने गाने के, सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के जरिए। तो इसका जवाब आपको कहाँ देना है, इसका जवाब आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है कि प्रतीक का गाना दुआ करो आपको कैसा लगा। भाई मुझे तो अब तक के जितने गाने हैं उसमें से ये गाना फिलहाल मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। आपको क्या है कहना, आप बताइए।